रियासत क्यों हो गया है और अभी तक ना तो वापस आया है, ना तो कोई खबर आई है, ना तो खबर आया है। बात में महाराज आपके ऊपर केंद्र रियासत की प्रयोग किया था और रियासत से घूम कर महाराज आज इंतजार की है। हम सब इंतजार करते हैं।
बुलाने का मकसद हाथों से कुछ कहना चाहते हैं। चल रहा कैसा कारोबार, बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। चल रहा कैसा कारोबार, राज के मंत्री की सरकार। कमी क्या है मेरे दरबार, राज के मंत्री की सरदार। ये नियम चार म्यूजिक सिस्टम दीजिए वाले वहां सामने आ देखा चौल का पुरस्कार हमारे लिए सत्र नहीं, हमारे इस तखत में आके नहीं, कैसा कारोबार चल रहा है। राज्य सरकार आप जानना चाहते हैं जमाने लिए सबका समझा क्या है, तो सुनिए महाराज। रियासत में तो अक्सर मैं घूमा करता आप सभी का तो कुदरत लेता रहता हूं। दाना पानी में मर रहे हैं
भूख प्यास से तड़प रहे हैं और मंत्री जी कह रहे हैं सभी के पास 10-20-50 हजार रुपए बैंक बैलेंस है। हम यहां की बात माने या कि मंत्री जी की बात माने? छोटा मुंबईवा मैं कैसे नकेल दिया तो और हाँ हम लोग ने खाना से सुन लिया रेल मंत्री कहते हैं कि गरीब मजदूर किसानों के पास उनके बैंक में खाते में 10-20-50 हजार रुपए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे क्या हम गलत तो है आपको Yeah.
अपनी जमा भंग करके दरबार से अपनी फरियाद आपके पास लेकर आए, लेकिन राज दरबार में क्या देख रहा हूं, ये मंत्री भाव से किस तरह पेश आ रहे, ये भेंट मांग रहे हैं, आप आकर हो गए, ये दूल्हा के मामा, दूल्हा के मामा, शिव ने तेरे ज्ञान पर का पुरस्कार धन्यवाद, आइए रे घर में पूरी भागे भाला आ गए हमला कहिया वाला जय श्री राम। हमारे गरीबों के साथ नहीं हुआ तो ही भाई या कैसे सिखा ही इसका इंसाफ होगा, न्याय होगा। दयाराम नेता, तुम हमारे दरवाजे पर आए हो, अपने हालात लेके आए हो, अपनी मुसीबत लेके आए हो, तुम्हारा सम्मान तो मैं नहीं कर सका लेकिन तुम्हारा अपमान हुआ है और हम तुम्हें इजाजत देते हैं अपने अपमान का बदला मातृभाव सिंह से तुम चुका सकते हैं। मंत्री भरत सिंह, आपने तो मेरा राज दरबार में अपमान कर दिया, लेकिन मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आपने सम्राट में जो दान उद्दान करने के लिए पैसा दिया था सब आपने खा लिया, तो कभी खुश नहीं रहोगे। महाराज, ये राज दरबार के मंत्री हैं, मैं हटा नहीं कर सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं इन्होंने गरीबों का, गरीबों को जो आपने दान दिया था जो खाया, तुम लोग कितने दयावान हो, तुम्हारा अपमान हुआ और हमारी इजाजत भी हुई अपने अपमान का बदला मैं चुका सकती हूँ। मातृभाव सिंह महाराज, तुमने इन गरीबों के साथ जो गुस्ताखी की है, जो गुनाह की है, आपने किए हुए गलती की इसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान के सामने झुकता है और रही बात मैं आपको भगवान का दर्जा देते हुए ये ठाकुर भगवान से आपके कदमों में एक बार नहीं सैकड़ों बार झुक सकता है, लेकिन कई लोग सामने अपमान होगा और ये जो गरीबों पर तुमने जूतों की ठोकर लगाई है इनका अपमान नहीं हुआ। मातृभाव सिंह, अगर आप इन गरीबों से
आप अपने किए हुए गलती की क्षमा नहीं मांगते हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इससे पहले कि महाराज हमें कोई दूसरी सजा सुना दें, इससे पहले लोग कहा करते हैं कभी मारे वीर तो कहीं भागे वीर, इसलिए तभी हमारा आने वाला कल दुष्ट होगा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, इसलिए आप लोगों से अपने किए की सजा की आप लोगों से भीख मांगता हूं। मेरी बातों को गौर से सुनिए, मंत्री बात मेरी सुनो ध्यान से, मंत्री की बात मंत्री बात मेरी सुनो ध्यान से, जातिवत हुक्म मेरा बजा लाओ, रुपया ले कराओ जिसके हिसाब से एक बार विश्वास का साया हट जाता है उसका दोबारा विश्वास नहीं किया जाता। इसलिए महाराज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अपील करता हूं, 75,000 रुपया मैं रियासत में बटवाऊंगा, लेकिन अपने हाथ में है मैं हाँ तो तुम्हारे कहने का मतलब तुम्हारे साथ में हम अपने उठाना करिंदा को भी भेजे, ताकि ऊर्जा हर घर में हर गरीबों के पास वितरित हो सके। इसलिए आप ही मेरी बातों पर विश्वास कीजिए। ठीक है तारिंदा साहब, जाओ जाओ खजाने से 10,000 रुपए लाइए और मंत्री भाव सिंह के साथ में रियासत की ओर जाओ, और हमारी रियासत में जाकर एक एक घर में एक एक गरीबों को वो पैसा पूछ पूछ कर वो पैसा बदला दे जाओ। आप निश्चित हो जाए मैं आपके हक का पालन करूंगा, आपका हक शर्त होगा, हमारे हक की तामील की जाए, हम इस वक्त चल रहे हैं हमारे हक की तामील की जाए। कि हमारे साथ वो रुपया वितरण के लिए आपको भी मेरे साथ चलना, इसलिए सुखा में देरी मत करो, घर आ जाओ, घर जाने से 10,000 रुपया लेकर आओ और वो रुपया हम रियासत में शेर शाम होने के पहले हम वो वितरण करें।
खेलूंगा कि देखने वालों की रूह पाएगी।